जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज है 23 अप्रैल, यानी हनुमान जन्मोत्सव, प्लस आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, 7th वेडिंग एनिवर्सरी है। और मेरी डॉटर मुझे सरप्राइज़ देना चाह रही थी, क्या देना चाह रही थी पता नहीं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, बट उसके साथ में मैंने मिलके उनके पापा को ज़रूर सरप्राइज़ दिया। तो सबसे पहले मैंने पूजा की है, तो सभी बोलिए जय श्री राम। मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो पूजा से ही होती है, तो सबसे पहले आज के दिन मैंने पूजा की। आज थोड़ी पूजा बढ़ गई थी क्योंकि दो दो स्पेशल डे थे, तो इसलिए मैंने पूरा जाप किया, हवन के साथ में मैंने जाप किया। उसके बाद में मैं 12:30 बजे तक मेरी पूजा हुई, फिर मैंने खाना वाना खाया, नाश्ता किया, अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई, प्लस मुझे केक भी रिसीव करना था। केक वैसे मैं इतना ज़रूरी नहीं था केक काटना, बट वो ये होता है ना कि जब मम्मी पापा का कोई भी बर्थडे आए या मैरिज एनिवर्सरी आए तो उनसे ज़्यादा उनके बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो केक मंगा लेती हूँ, मेरी बेटी ही कट करेगी, मेरी बेटी ही उसको खाएगी, हम लोग मिलकर एक एक दो दो चम्मच खाएंगे बस। तो मैंने अपने इन-लॉज के साथ में और प्लस अपने डॉटर के साथ में केक कटिंग किया। ये एक छोटा सा क्या है कि माहौल खुशी का भी हो जाता है, सब एक दूसरे के साथ बैठे और थोड़ा एक दूसरे के साथ में इंजॉय किया, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये ऑर्डर किया। अदरवाइज मैं सही बोलूँ तो मैंने केक के लिए मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी। और ये देखिए, जहाँ से मैंने केक लिया है वो होममेड है, वो बहुत ही अच्छा केक बनाती है ये लेडी, जिस तरीके से उसको बोलो उस तरीके से वो केक रेडी करके देती है। जैसे मैं, हम तो एक एक दो चार चम्मच खाते हैं, बाद में हमारे बच्चे ही केक खाते हैं। और ये देखिए, मेरी छोटंग की लड़की भी गई थी मेरे साथ में अपनी दीदी को स्कूल से पिक करने, प्लस केक पिक करने। तो चलिए हम आ गए हैं घर पर और अभी 1 बजने वाला है और हम थोड़ी देर में यानी 2 बजे तक हम केक को कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अपने डॉटर की ड्रेस व्रेस चेंज करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी अफ्रीका में है, वहाँ मॉर्निंग टाइम होता है, तो मैं 2 बजे के करीब उनसे बात करती हूँ, तो उनको ये सरप्राइज़ भी दे देती हूँ कि ठीक है हम केक काट रहे हैं, तो इसलिए मैं 2 बजे केक कटिंग करती हूँ। शाम का कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं है। तो ये देखिए, ये केक मैंने जो बनवाया है, और ये केक का बेस है, ये पहले जो केक मंगवाया था उसका बेस मैंने रख लिया था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया था अभी 13 अप्रैल को, और उसमें मैंने टिश्यू पेपर से ऐसे अपनी बेटी को फ्लावर बना के ऐसे दिखाया और उसने काफ़ी इन्जॉय किया। ये केक मैंने जो मंगाया था, ये भी होममेड केक है वहीं से, तो मुझे इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने वहाँ से मंगवाया। आज के लिए सिर्फ